गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जा रहे हैं ओगरनाथ मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ओगरनाथ मंदिर, काली पलटन का मंदिर, और ये मंदिर मेरठ में स्थित है। तो आज आपको लेके चलेंगे अपने साथ ओगरनाथ के इस बहुत ही खूबसूरत से मंदिर में। गाइस देखिए, अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं और मंदिर की तरफ देखिए आप कितनी ज्यादा भीड़ है आज, और काफी ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर आज आए हुए हैं और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव के नजदीक आने की सभी भक्तजनों की कामना है। तो इसलिए सभी लोग आए हुए हैं और भीड़ बहुत ज्यादा है और यहाँ रास्ता भी बंद किया हुआ है देखिए, और कार का तो रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, केवल अगर आप जा सकते हैं तो आप पैदल ही जा सकते हैं। तो गाइज हमें अपनी कार को पार करना पड़ेगा और साइड में कहीं देखते हैं, अगर कहीं जगह मिलेगी तो कार को पार्क करेंगे। ये गाय माता आ गई है बीच में थोड़ा हमारी गाड़ी के, और मुझे लगता नहीं है कि आज आसानी से कहीं जगह मिलने वाली है क्योंकि रश बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा रश है और काफी रश है आज। देखिए काफी सारे लोग आए हुए हैं और गाड़ी फाइनली हमें खड़ी करनी पड़ी है, और गाड़ी खड़ी करके अब पैदल आना पड़ा है बाबा के दर्शन करने के लिए। अच्छे से सभी लोगों को दर्शन कराने के लिए प्रशासन ने आज यहाँ लगभग 200 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की हुई है, जिससे आसानी से लोग बाबा ओगरनाथ के आसानी से दर्शन कर पाए। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है। कुछ इस तरीके के भक्त भी बाबा के, जाने वाले भक्तों की संख्या थोड़ी कम पर वहां से आने वाले भक्तों की संख्या बहुत ही ज्यादा, और शायद ऐसा लग रहा है कि मंदिर में हम लोगों की एंट्री हो भी पाएगी या नहीं, कहना मुश्किल है। आज के दिन यहाँ एक छोटा मेला भी लगता है और ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, इसलिए इतना आपको आसानी से चलने की स्वतंत्रता मिल रही है। अगर ये जुलाई में आने वाली शिवरात्रि होती तो यहाँ पैर रखने की भी बिल्कुल भी जगह नहीं होती। ये देखिए पार्किंग अलाउ ही नहीं है बिल्कुल भी। और बाबा के दर्शन, बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। आ गए हम बाबा के द्वार बिल्कुल। जय हो बाबा की, जय हो शिव शंभो की। ये प्रसाद की शॉप है, यहाँ पर से प्रसाद ले रहे हैं लोग, छोटी छोटी कन्याएं। इतनी भक्ति में चूर हैं यहाँ आज लोग, बहुत आसानी से दर्शन नहीं मिलेंगे बाबा के। और जहाँ तक देखे वहाँ तक भी लाइन लगी मिलेगी,
और लग रहा है आसानी से दर्शन तो होने वाले नहीं है, ये बात तो पक्की है। गाइस लग रहा है शाम तक दर्शन नहीं होंगे। तो ये भगवान शिव की कांवड़ अलर्ट है बिल्कुल, बहुत अच्छे से अपना काम करते हुए। यहाँ भी एक बहुत सुंदर कांवड़ यहाँ से बाबा के दर्शन कर सकते हैं। हमें तो गाइस दर्शन हो गए हैं बाबा के दूर से ही और हमने हाथ जोड़ लिए हैं। उम्मीद करते हैं इन श्रद्धालुओं को भी आज बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएं और सब लोग अच्छे से दर्शन करके जाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। छोटी सी बच्ची देखो, क्या नाम है बेटा आपका, क्या नाम है आपका, आपने कुछ खाया नहीं सुबह से, आपने कुछ खाया नहीं है, चलो मैं आपको पैसे देता हूँ, खाना खा के आना आप, ठीक है, खाना खाओगे, खाना खा के आओगे, चलो अब खाना खा के आना, गॉड ब्लेस यू। जॉइन मजिस्ट्रेट की भी गाड़ी जा रही है और देखिए कुछ भक्त भक्ति से सराबोर, विगम दृश्य, बाबा की भक्ति का अनूठा
प्रदर्शन। ये देखिए यहाँ भी हैं ऐसे भक्त। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके की भक्ति हमारे पुरुषों में ही है, हमारी महिला बहनें भी इसी तरीके की भक्ति प्रदर्शित कर रही हैं। देखिए भगवान भोलेनाथ सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी ही कामना के साथ मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।